told your friend you're not okay and tell me what's wrong and what. इसकी मिट्टी जो पानी की मिट्टी ना, पांव रखते ही अंदर, ये देखे, ये देखिए, पांव रखते ही अंदर चला जाता। और यार मैं गलती से जो है ना सैंडल पहन ली, मैंने शूज नहीं पहने। तो अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करता हूँ। ये एक जो है वो शिप है, छोटी सी बोट, तो ये यहाँ पे खड़ी हुई है। तो स्विमिंग करते करते चलते हो तो बोट के बारे में पूछते हैं कि क्या ये क्यों खड़ी है। समझ खतरनाक है ना, यूँ सीधे ऐसा जा रहा है, ये यूँ जा रहा है। शेल मिला है यहाँ पे, स्टोन देख, वाओ जबरदस्त। यहाँ पर भी तो है लेकिन यहाँ पर वो थोड़े अलग से हैं। इसकी मट्टी बहुत अजीब है। इधर वो होगा क्या, केकड़ा दिखाऊंगा अभी यार मैं। और वो पहाड़ी पे बैठ के फिशिंग कर रहे हैं दो बंदे, आप खुद देखिए वो इतनी दूर, वो वहाँ पे फिशिंग है। और हम, मैं कह रहा हूँ कि बात सुने, हम वो जो बोट वाला है उसके पास चल के पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, आओ मेरे साथ। तो मैं जाके पूछता हूँ, भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो पानी आ रहा है भाई, पानी आ रहा है, लेकिन पानी आता नहीं इतना आ गया यार, बस मेरी चप्पल ना गीले हो जाए। अच्छा हवा का जो है ना रुख इस तरफ है, तो जब ये पानी काफ़ी अब आ जाएगा। अच्छा जब यहाँ आता है गीला तो मतलब पानी आ जाता है। अभी हम शिप की तरफ भी जाएंगे, तो व्लॉग को साथ रहिएगा। उसके बाद पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करनी है, तो देखते हैं। ब्लू कलर का, वाओ ये कितना प्यारा है, ब्लू कलर का, देखें ये, देखें ये कितना जबरदस्त खूबसूरत है। और बहुत से कलर के, ब्लू भी है। बस अबे बस यार, अब आ जाएगा पानी, अब मुझे भागना पड़ेगा। मैं हो गया पत्थर पे खड़ा, और मजा आएगा। और देखते हैं और कौन से कलर का पत्थर है। ये क्या हो भाई, ये तो कांच है। ओए कांच भी मिला यहाँ पे, कांच क्या कर रहा है यार। यहाँ पे अलग अलग कलर के हैं, ये देखो, ये मैरून कलर का है, ये वाइट कलर का है, ये ब्लैक एंड वाइट, सारे अच्छे अच्छे हैं यार। ये भी अच्छे पत्थर हैं। अबे भाग चप्पलें गीले करें। ओ भाई साहब कहाँ है, माइक कहाँ है? ओ कोई व्लॉगर आया होगा, देखो अंदर व्लॉगर भी पड़ा हुआ होगा एक। खोदो इसको, खोदो। व्लॉगर कहाँ गया है, व्लॉगर? ये देखें थैली, देखते हैं यार, पहले पिक्चर वगैरह क्लिक कर लें। ओ उस माइक का वायर, यहाँ पे आया ब्लॉगर भी मिलेगा, ब्लॉगर यहाँ भी नहीं मिला। हम वहाँ पिक्चर क्लिक करने जा रहे हैं, सामने पहाड़ी है ना, वहाँ बड़ी जबरदस्त पिक्चर आएगी, बिल्कुल बेस्ट ऑन बेस्ट। अरे ये क्या है, ये क्या, इतनी बड़ी रस्सी, कमाल की रस्सी कहाँ जा रही है? अच्छा ये शिप, वो शिप को बांधा हुआ है, आप शिप को इतनी जान थोड़ी है, मान लो शिप को खींच ले। अरे वैसे रस्सी है, लग तो भारी रही है। आ जाओ भाई, पिक्चर क्लिक करनी है। ये ना इतना ज्यादा गंदा नहीं है जितना कराची का वो सी व्यू है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम आते हैं, इसलिए थोड़ा सा साफ सुथरा सा बना हुआ है। इसका पानी भी बहुत साफ है, और बेसिकली यहाँ पे ना पिकनिक के लिए वो परमिशन भी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो गहरा और ये डीप है, और यहाँ पे आपको लाइफ गार्ड एक भी नहीं नजर आ रहा होगा। ये देखें, एक भी यहाँ पे लाइफ गार्ड है ही नहीं, लाइफ गार्ड भी नहीं। तो सिर्फ जो यहाँ के रिहायशी है जिनको परमिशन मिली हुई है, मतलब जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, जो फिशिंग करते हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वही आते हैं यहाँ पे। पहले दो तीन पिक्चर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर वो शिप के साथ यहाँ पर आए, तो कुछ बचपन की याद ताज़ा नहीं करेंगे, इसको फेंकते हैं। वो जा रहा, वाओ इसको फेंकते हैं। ओ मोबाइल ही चला जाता अभी मैं। अबे ये तार पानी के अंदर से कहाँ से आ रहा है, माय गॉड, ये तार पानी के अंदर से कहाँ से आ रहा है, माय गॉड। दया अभिजीत तोड़ दो मट्टी। बात सुनो मेरी, देखो यहाँ पहाड़ी पे पिक्चर क्लिक करेंगे, वो सबके साथ ही करेंगे, वाइड एंगल से करेंगे। अबे जल्दी आ जाओ, ये देख अब तो सामने रह गई है, भागते भागते चले जाएंगे यार। तो यार पिक्चर हमने जो है वो क्लिक की है, और सीन ये है कि पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगी, आलियान अंडरस्कोर खान अंडरस्कोर यूट्यूब सही के नाम से इंस्टाग्राम में, भाई का चेक करो, जाके फॉलो करो। और ये नेक्स्ट ब्लॉग पे यार मेरे यूट्यूब चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहा भाई, करो जल्दी से। अच्छा तो अभी जाते हैं शिप के पास पिक्चर्स के लिए,
तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पिकनिक मनानी है, कैंपिंग करनी है, तो वहाँ कैंप लगाओ और आराम से इंजॉय करो। लेकिन दिन में, रात में भाई मैं कोई भी नहीं बोलेगा रात में आओ, लेकिन कैंपिंग दिन में यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इजाज़त नहीं है ना, मेन मकसद ये है, सिर्फ स्पेशल लोग आ सकते, जैसे अहम अहम हो, ये समंदर है वहीं पे, अहम अहम कर लेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अच्छा, स्पेशल लोग आ सकते हैं, क्योंकि आज तो मैं लोग के साथ रहे, लोग को आने दिए, क्योंकि उन्होंने बोला रहे आलियान सर आए, तो आ जाए आ जाए। कोई बात नहीं, हम तो चूत सही बता रहा हूँ मैं, और क्या। वो भाई पानी उछल उछल के आ रहा है, उछल उछल के, और ये जो रस्सी जा रही है उस शिप को, जो बोट है छोटी वाली, उसको बांधा हुआ है। तो हमें कहीं जाना हो, हम इसको भुला लें और चले जाए। अगर हमें सऊदी अरेबिया जाना होगा तो हम यहीं आएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? और उठा के फेंको मास सत्तर से मा सत्तर मैं यार, हमें हो रही है देर, तो हम यहीं से पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, है ना, और बस चलते हैं फिर। हाँ कैमरामैन बना दियो तुम। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक ऐसा जहाज जिसकी तारीख कायम हो चुकी है, जो सदियों पुराना जहाज, कितने साल पुराना है ये होगा? 1000 साल, 30-40 साल पुराना, 1000 साल पुराना है भाई। व्यू पागल है भाई, व्यू पागल है, पैसा ही पैसा हो गया। 1000 साल पुराना जहाज दिखाते हैं, आता 1000 साल पुराना। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, बीच में रास्ते भाई चले बहुत है हम। अरे हीरो कहाँ घूम रहे हो? अरे ये कहाँ घूम रहे हो भाई? ये देखो कबाड़, लाइफ जैकेट भी पड़ी हुई है। जाना बहुत आसान था, आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, है ना? आना मुश्किल है, जाना आसान है। हाँ पाँव अंदर जा रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में है। ये देखो इतना खतरनाक है, ये पत्थर आ गए जी। कौन? अबे हाँ मेरे जूते हो सकते हैं धरती का कुछ, मैं नहीं। यार ये चेन बहुत बड़ी है भाई, इसी चेन से मारूं अपने दुश्मनों को। ये मेरे 450 बिलियन की क्रूज का इंजन यहाँ इन्होंने डाल दिया है, इनको मैंने 10 बार मना किया यहाँ नहीं डाला करो। बलूचिस्तान प्रेस क्लब बनानी है, प्रेस क्लब है। अभी आए थे बारबेक्यू शनवारी, और जो है काफी जगह लगी भी है नीचे से। आज ये हालत देखो, क्या मट्टी से आलूद हो गई है। अरे हालत तो वैसे भी ऐसे ही थी, लेकिन अब इसमें अभी तक हवा ही नहीं भरवाई हमने, थी नहीं। अब मैंने अपर पहन लिया क्योंकि थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, और हम यहाँ रेस्टोरेंट आए, देखते हैं कुछ खाने का होता है। तो बाकी लग तो अच्छा रहा है, VIP माहौल है, लेकिन पंप के बराबर में खुला हुआ है। खैर यार, असल में ये पढ़ा है नमाज, मैं भी पढ़ूँ, लेकिन जमात हो चुकी है। ये देखें, हम आई लेट हैं, और दूसरी बात है कि मेरे कपड़े भी थोड़े नासाज हैं, थोड़े झूठ बोल रहा है, इस वजह से जो है मैं आज पढ़ नहीं सकता। ये पढ़ रहा है, मैंने कहा यार तुम पढ़ लो, क्योंकि मेरे कपड़े नासाज हैं, मैं पढ़ नहीं सकता। क्या एक्टिंग कर रहा है? इंशाल्लाह घर जाके मैं ऐसा होगा कि कज़ा पढ़नी पड़ेगी। आप लोग को पता है मैं फजर जहर असर मगरिब इशा जिस दिन मेरी रह जाती, मैं घर जाके सारी कज़ा पढ़ता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये ले लेता मैंने, ये पी लेते हैं, यहाँ बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। अपना मुझे ये देखना पड़ेगा कि व्लॉग बना कितना बड़ा, कितनी देर गए, फिर उस हिसाब से ना मुझे फिर कट करके डालना पड़ेगा। अगर 10 मिनट से ज़्यादा का, फॉर एग्जांपल 14-15 मिनट का, तो मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा। और अभी सामने पेट्रोल पम्प है, और देखते हैं अभी बस थोड़ी देर में ही निकलते हैं, थोड़ी देर मतलब क्या 10-15 मिनट में निकलेंगे, और घर जाके खाना खाएंगे, या रास्ते में कहीं कराची में रुक के खाएंगे। अभी तो कराची में इंटर भी नहीं हुए हैं भाई, इतना लंबा सफ़र रह गया है। जाने का सफ़र ना आराम से हो गया था, लेकिन वापसी आने में बहुत लंबा सफ़र हो रहा है, बहुत लंबा।
भाई ये लोग हमें छोड़ के निकल चुके, अब हम क्या करें? हमने कहा हम भी आ रहे, रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी अभी बताते हैं। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अरे भाई बहुत ज़्यादा जो है ना दिल चाह रहा है घर भी ना जाओ, यहीं बैठ जाओ सुकून से सो जाओ, थक गया है। भाई जो जिस घास पे बैठा हूँ ना गीली हो रही है, ओस पड़ी होगी। तो अभी निकल रहे हैं घर के लिए, कराची में एंटर भी नहीं हुए अभी, कराची में एंटर होते उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे बैठे हैं एक साथ, दो पार्ट में कर दूंगा ठीक है। तो अभी चलते हैं।